بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے. گرمیاں آ گئی ہیں جی, موسم کوریا کا بھی ابھی گرم ہو گیا ہے تو گاڑی میں اے سی چلانا پڑ گیا ہے. ابھی گرینری ہو گئی ہر طرف, ماحول بڑا پیارا ہو گیا ماشاء اللہ. یہ سامنے ہمارے دریا ہے جی, رائٹ پہ ہیڈ نظارے آپ لوگ انجوائے کریں. یہ ابھی ہم دریا کے اوپر سے گزر رہے ہیں, جیسا کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ ہے. یہ پیچھے پانی رکا ہوا ہے, فالتو جو پانی آتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں, یہاں سے اوور فلو بنایا ہوا ہے. چھوٹی سی بستی ہے یہاں پہ, اللہ اکبر. بہت کم نظر آتا ہے جی کوریا میں, کسی جگہ پہ بھی جیسے یہاں پہ یہ روڈ کا کام لگا ہوا ہے یا مثال ہے روڈ خراب ہے, اس طرح کی جگہ بہت کم نظر آتی, کبھی ایک بار نہیں. اکثر جو ہے نا ہر جگہ پکی ہے, صاف ستھرا ماحول ہے. لوکل ٹرانسپورٹ ہے جگہ جگہ پہ, ہر گاؤں ہر گلی میں جاتی ہے. گورنمنٹ ہی لوکل ٹرانسپورٹ ہے, ہر جگہ پہ گورنمنٹ ہی ہے. ان کو نہیں ہے کوئی سواری بیٹھنی ہے نہیں بیٹھنی, انہوں نے ٹائم پہ آنا ہے اور ٹائم پہ جانا ہے. لگی ہوئی ہیں کل ساکھیاں دو ایکسیویٹر, تو ابھی انہوں نے فٹ پاتھ تو بنا لیے ہیں, روڈ رہ گیا ہے بس, روڈ بھی ابھی رہنے جلدی بنا دیں گے.
140 W-5K. आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैंने अपलोड करनी हो आप तक पहुंच सके आसानी से, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नित नई में आप वीडियो दिखाता रहूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, या अल्लाह मेरी तौबा। एरिया में फार्म बहुत ज्यादा है जी, गोश वाली गायों के भी और दूसरे भी दूध वालियों के, जगह जगह पे फार्म है। गर्मी की शिद्दत भी हो गई है, मैं अपने मंजिल के करीब आ गया हूं। ये जहां पे लोग फिरते हैं, गाड़ियां खरीदारी करते हैं गाड़ियों की, इनको पेचा कहते हैं, पेचा। तो यहाँ पे ये गाड़ियां सब बिकने के लिए आई है, पेचा हो जाती हैं जब यहाँ, फिर यहाँ से इनके कागजात कोरिया में कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे कोरिया में नहीं चल सकती ये गाड़ी, फिर एक्सपोर्ट करनी है लाजमी इन्होंने। ये गाड़ी खड़ी है, मैं देखता हूँ चेक करके फिर आपसे अपडेट आपको देता हूँ। अल्लाह अकबर, ये जी यहाँ पे एक पोर्टर गाड़ी आई हुई थी, लेकिन इसका ना ये वाली ये डबल कैब वाइट कलर की, इसका इंजन गुजरा हुआ है, तो अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट मंजिल की जानब। ये जो दरख्त है जी, ये सामने जो बाग लगा हुआ है, ये सब जापानी फल है। ये जो लगे हुए हैं ना, ये सब जापानी फल है, तो बहुत ज्यादा फलते हैं। थोड़े दिनों तक मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा फलते हैं। ये छोटे छोटे ही नजर आते हैं, लेकिन बहुत फल देते हैं ये। चलो जी, अभी नेक्स्ट मंजिल की जाने जी। अल्लाह अकबर। साढ़े तीन हो गए हैं, तो अभी मैं भी डबल माइंडेड हूँ, थोड़ा सा दूर जाऊं कि ना जाऊं, वापस घर की तरफ लौट जाऊं, क्योंकि 7 बजे इफ्तारी हो जाती है, तो उससे पहले ही घर को जाना बनता है। चलो देख लेते हैं ये थोड़ा सा। लो जी, हमारा सिग्नल ग्रीन हो गया हुआ है, चलते हैं नेक्स्ट मंजिल की तरफ। अल्लाह खैर करे, आपको नए नए नज़ारे दिखाता हूँ जी। ये ऊपर से हाईवे गुजरा है अभी, लगता नहीं है। हमने जिस साइड पे जाना है वो लोकल पे जाते हुए ज्यादा नजदीक है। अल्लाह अकबर। ये आप देख सकते हैं बस्ती, ये छोटा सा गांव है। Thank you.
जमींदारा इनका भी बहुत ज्यादा है जी, हर चीज की फसल लगाते हैं ये, हर चीज की। गर्मियों सर्दियों का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे अंगूर बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा नस्ल के होते हैं, हर नस्ल के होते हैं। सेब है इनका बहुत प्यारा, इसी तरह स्ट्रॉबेरी। अच्छा, मसाल है, हर चीज फसल हर किस्म की यहाँ पे होती है, सब्जी भी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि ये सेब के बागात हैं सब, ये आप देख सकते हैं सफेद रंग के फूल लगे हुए हैं, तो ये सब जो है सेब के बागात हैं। ये आगे भी रोड के किनारे पे आप देख रहे हैं, राइट पे, ये सेब के बागात हैं जी। थोड़े दिन तक यहाँ पे भरपूर फल होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। फिर भी ये छोटी छोटी बस्तियां हैं यहाँ पे, जगह जगह पे अपनी अपनी जमीनों पे लोग बैठे हुए हैं। जिससे हम पीछे से गुजर के आए थे, ऐसे घूमते घुमाते आता है। अभी हम दूसरे शहर जा रहे हैं तो फिर ये आगे आगे हम जाके, बहुत बड़ा दरिया है ये। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नीचे साइलेज पड़ा है और ये सामने बस्ती है जी, गांव है छोटा सा पहाड़ी के साथ। ये रोड में मैं खड़ा हूँ, सोलर लगी हुई है प्लेटें, साथ में ट्रांसफार्म लगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट को ये लोग सेल करते हैं, जो अपनी अपनी जमीनों में लगाई हुई है इन्होंने,
फिर छोटी सी बस्ती एक आ गई है। हर बस्ती में चर्च लाजमी होगा, जैसे हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह हर गली मोहल्ले में मस्जिद है, इसी तरह यहाँ पे ईसाई ज्यादा है ना, तो चर्च बने हुए हैं। आगे लगी हुई है जी सोलर की प्लेटें, यहाँ पे लोगों ने फार्म बनाए हुए हैं, फार्म इस शक्ल के बने हुए हैं कि एक साइड पे ऊपर प्लेटें लगा के तो उन्होंने ढांपा हुआ है, छत बनाया हुआ है प्लेटों से, दूसरे छत की बजाय इसी प्लेटों के साथ ही ढांप देते हैं, तो छत का काम भी हो जाता है और बिजली भी साथ में बनती रहती है। ये कोई कस्बा नमा बस्ती है, थोड़ी सी बड़ी है। हमारा सिग्नल बंद है, चलो सिंगल रोड पे आ गए हैं। बड़े प्यारे नजारे हैं, एंजॉय करें।
वाली है छोटी सी, तो यहाँ पे कैमरा भी 60 की स्पीड का लगा हुआ है। कैमरे की पाबंदी बड़ी करनी पड़ती है, नहीं तो पर्चा आ जाता है घर में बैठे बैठाए। ज्यादा अमीर नहीं थे ये लोग भी पहले, अब बहुत ऊपर चले गए हैं। तो ये गांव भी, सारा गांव फिर के देख लो तो आपको कोई नौजवान लड़का या लड़की कोई भी नहीं नजर आएगा आपको, सब बूढ़े बूढ़े ही बाबे इस तरह, जिन्होंने बस अपनी जमीनें संभाली हुई हैं। तो बच्चे कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, वो शहरों में है। कभी कभार आते हैं, जैसे हमारी ईद शबरात हो गई तो इस तरह कोई दिन बड़ा दिन आया तो आया, इनका चूसक होता है तो चूसक पे आया, या और इस तरह कोई बड़ा दिन हो तो फिर घर का चक्कर लगाया, बड़े बुजुर्गों को मिला और चलो जी। हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों की कोशिश होती है माँ बाप की जितनी खिदमत कर सके करते हैं। तो ये एक और दरिया आ गया जी अभी दोबारा, पानी बहुत है यहाँ पे, दरिया बहुत है। तो ये लोग जो हैं ये वालदैन की करते हैं, कई लोग अच्छे भी हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार हैं माँ बाप के, लेकिन यहाँ पे सिस्टम नहीं है। औलाद भी जब जवान हो जाए यहाँ पे तो उसको फ्री हैंड दे देते हैं, भाई जाओ तुम अपनी खुद ही मजदूरी करो और अपने आप को संभालो, हमारा ख्याल छोड़ दो। तो इसी तरह जब औलाद फिर स्टैंड कर जाती है तो फिर वो बड़ों को भी नहीं पूछती। हम मुसलमान लोगों का अल्लाह का शुक्र है, हम लोग तो माँ बाप का बड़ा करते हैं। हमारे अंदर भी कई लोग हैं बदबख्त होते हैं, कई जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं, लेकिन बहुत कम। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, शायद आपको नजर आए सोलर प्लेट लगी हुई है इस साइड पे, दरख्त आगे हुए हैं ना, सही नजर नहीं आएगी ये राइट में, जगह जगह पे लगी हुई है। चुके हुए हैं, थोड़ा सा फासला रह गया,
लो जी, आप दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, तो बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो आपसे इजाजत चाहता हूँ जनाब, अपना ख्याल कीजिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा और मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जनाब, अस्सलामु अलैकुम।